हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकली टेक्निकल रिपोर्ट बाय मार्केट सारथी। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे डाउ जोन, बैंक निफ्टी, निफ्टी, डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल एंड अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में और चार्ट्स के बारे में, जिसमें कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में अगला आने वाला वीक कैसा रह सकता है, किस तरह से निफ्टी परफॉर्म कर सकती है, बैंक निफ्टी में किस तरह के मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं, या कौन से सपोर्ट एरियाज हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। एंड एक बात आपको बता दूं कि ये जो वीक है न्यू फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट वीक है, एंड इन दिस वीक हम किस तरह का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डॉलर इंडेक्स से। तो डॉलर इंडेक्स में लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में हमें एक राइज देखने को मिला है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन आई मीन टू से दैट यहाँ पे फ्राइडे को जो हमें ये अपसाइड रैली देखने को मिला है, एंड ये जो रैली के बाद डॉलर इंडेक्स में हमें बुलिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है ऑन द सपोर्ट लेवल। लाइक अगर आप देखें तो ये एरिया यहाँ पर सपोर्ट है, एंड द सेम लेवल डॉलर ने लगभग लगभग सिमिलर लेवल्स पे सपोर्ट लिया है। 101.80 का सपोर्ट था, एंड अभी जो क्लोजिंग लिया है 102.60 पे है। अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर 103 के आसपास के रेजिस्टेंस आ रहे हैं, और अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो मार्केट में एक थोड़ा सा अप फर्दर पुल बैक रैली हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट कैन टेस्ट ये जो लेवल है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इस जोन के आसपास मार्केट में कंसोलिडेशन फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकता है। लोअर लेवल्स 101.80 के आसपास का यहाँ पर सपोर्ट है। सो आई एक्सपेक्ट कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा पॉजिटिविटी बना रहे, और ये जो पॉजिटिविटी है बहुत शॉर्ट टर्म पर है, मतलब मे बी पॉसिबल 103.50 के आसपास जाके ये पर्टिकुलर डॉलर इंडेक्स रुक जाए। वहीं अगर हम बात करें डाउ जोन की, तो डाउ जोन में एक स्ट्रांग पुल बैक रैली देखने को मिला है। मार्केट में लगातार ट्रेडिंग सेशंस में हम देखें तो लगातार एक हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आपको अगर टेक्निकल चार्ट पे नजर आ रहा हो तो यू कैन सी यहाँ से लेकर ये जो हायर हाइज एंड हायर लोज के फॉर्मेशन के बाद मार्केट लगातार एक लेवल पर लगभग लगभग 31,600 से बढ़कर 33,300 के आसपास का क्लोजिंग ले चुका है। अगर हम इंट्राडे में इस पर्टिकुलर चार्ट पे देखें तो इंट्राडे में ये लगभग लगभग आर्ली चार्ट पे अपसाइड ट्रेंड ले चुका है फॉर द शॉर्टर रन, और ये जो अपसाइड ट्रेंड कहाँ तक हो एंड होगा, मे बी पॉसिबल ये जो रेंज है हमें 33,800 तक मिले, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर चैनल यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस चैनल के लेवल पर यहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है ये डाउ जोन। अब कहाँ है वो रेजिस्टेंस? 33,800 पर रेजिस्टेंस आ रहा है। लोअर लेवल्स पर अगर हम बात करें तो लोअर लेवल्स पर हमें यहाँ पर 32,500 के सपोर्ट नजर आ रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो 31,500 का सपोर्ट है, जो कि मार्केट में इंपॉर्टेंट है, टू बी वॉच्ड। अगर हम डेली चार्ट्स पर अगर इस इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर हमें एक डाइवर्जन देखने को मिला था आरएसआई में, और साथ ही ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है ये अपने जो फॉलिंग चैनल है उस फॉलिंग चैनल के लोअर लेवल पे सपोर्ट लेकर पलटा है। सो माइट बी पॉसिबल ये हायर लेवल्स तक, इस पर्टिकुलर चैनल के हायर लेवल्स तक हमें देखने को मिले, और यहाँ पर जाने के बाद इसमें फॉल आना स्टार्ट हो। सो दिस इज व्हाट द एक्सपेक्टेशंस। यहाँ जाने के बाद मार्केट में एक साइडवेज ट्रेडिंग सेशन भी देखने को मिल सकता है, जिसका जो रेंज है 33,300 से लेकर 33,800 तक हो सकता है। अभी अगर डॉलर इंडेक्स डाउ जोन की बात करें तो ये अपने 50 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, साथ ही 50 डीएमए जो है अब के सपोर्ट पर मार्केट ट्रेड कर सकता है इन अपकमिंग वीक। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी सिमिलर फॉर्मेशन है से निफ्टी, अगर आप देखें तो इंट्राडे में आर्ली चार्ट से ही है, और इस आर्ली चार्ट में आप देख सकते हैं निफ्टी ने एक फॉलिंग चैनल बनाया हुआ है, और उस फॉलिंग चैनल में लगातार मार्केट जो है इस तरह के फॉर्मेशंस के बाद एक सिमिलर एक्टिविटीज पोस्ट करता नजर आ रहा है। वी कैन सी हियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड ये जो मोमेंटम है ऑन अ फ्राइडे जो आया था ऑन द बैक बाय शॉर्ट कवरिंग, जो कि मैंने प्री मार्केट सेशन रिपोर्ट में डिस्कस किया था कि एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है फ्राइडे को, द सिमिलर थिंग हैपेंस, और ये जो शॉर्ट कवरिंग यहाँ से नजर आ रही है कि मार्केट को हो सकता है ये 17,600 तक लीड कर जाए। अभी का जो क्लोजिंग है वो 17,350 है, जो कि निफ्टी लगातार 17,200 के आसपास का रजिस्टेंस ले रही थी, एंड उसके नीचे ही लगातार ट्रेड कर रही थी, बट देन यहाँ पर हमें एक अपसाइड पुल बैक रैली देखने को मिला। ये पुल बैक रैली में अगर देखें तो यहां पर आरएसआई में भी डाइवर्जन हमें देखने को मिले, विच इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डाइवर्जन, जिसकी वजह से मार्केट यहां तक आया है, एंड आने वाले समय में मार्केट हमें
17,600 तक नजर आ सकता है। सो निफ्टी का रेंज जो है आने वाले समय में मे बी पॉसिबल, जो अभी की क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो 17,600 से लेकर 17,200 के बीच में रह सकता है फॉर दी नेक्स्ट वीक। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो वो जो चैनल है वो चैनल थोड़ा सा आउट, मतलब बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म कर रही है, जिसकी वजह से वो चैनल में ब्रेकआउट पहले आ चुका है। एंड लगातार यू कैन सी कि ये मार्केट में एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न बनाया हुआ है ऑन द ऑन पर्टिकुलर लोअर लेवल एंड इट इज मोर ओवर वी कैन से अ काइंड ऑफ ट्राइंगल। बट स्टिल यहाँ पर अगर देखें तो 41,000 का जो रेंज है यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर निफ्टी लगातार अपने फॉलिंग चैनल के रजिस्टेंस पर है और इस रजिस्टेंस का ब्रेकआउट हालांकि एक्सपेक्टेड है 41,000 के आसपास एंड उसके ऊपर निकलता है तो हमें मार्केट में लगातार देख सकते हैं कि 41,600 का रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। लोअर लेवल पे 40,000 का सपोर्ट हम देख सकते हैं ऑन बैंक निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो अपने 50 डीएमए के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। वहीं इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स में लगातार एक फॉल देखने को मिला है, लगातार 3 to 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस में फॉल देखने को मिला है। ये एक डेली चार्ट है इंडिया विक्स का और यहाँ आप देख सकते हैं लगातार 3 दिनों तक रेड कैंडल हमें नजर आ रही है एंड दीज रेड कैंडल्स गिविंग हिंट के मार्केट में जो फियर है मार्केट में वो थोड़ा रिड्यूस हो रहा है। एंड ये जो 12.99 का इंडिया विक्स का रहना ये बताता है कि मार्केट आने वाले एक महीना में लगभग इतना रेंज ले सकता है करंट क्लोजिंग के हिसाब से, मतलब करंट क्लोजिंग से प्रोबेबली मार्केट का हायर साइड में जो रेंज है वो 13% का है, लोअर साइड में रेंज जो 13% का है। ये मान सकते हैं कि ये हमें एक वार बताता है, वैल्यू एट रिस्क बताता है दिस विक्स। वहीं अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल में भी एक उछाल हमें देखने को मिला, जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में उछाल था सिमिलर उछाल हमें क्रूड ऑयल में देखने को मिला है एंड दीज पर्टिकुलर क्रूड ऑयल इज टेकिंग द डॉलर डाउ जोन टू द हाई साइड बिकॉज यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के लिए में पॉजिटिव मोमेंटम था बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल एंड वही पॉजिटिव मोमेंटम हमें डाउ जोन में नजर आया। और अभी अगर हम डॉलर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में अभी लगभग 81 के आसपास के रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं करंटली, हालांकि डॉलर क्रूड ऑयल जो है 75.76 पर है। अगर नियर टर्म रेजिस्टेंस की बात करें तो 78 के आसपास दिख सकता है एंड लोअर लेवल पे 72.50 का सपोर्ट है एंड सेकंड सपोर्ट जो आ रहा है वो 68 के आसपास आ रहा है। सो ओवरऑल ट्रेंड वी कैन से कि शॉर्टर टर्म ट्रेंड में बात करें तो शॉर्ट टर्म में जो क्रूड ऑयल है लगभग एक अपर हायर राइज एंड हायर लोस का फॉर्मेशन बना रहा है एंड मे बी पॉसिबल ये जो फॉर्मेशन से लगातार इस पर्टिकुलर ट्रेंड चैनल के हायर लेवल्स तक रहे एंड लगभग ये जो ट्रेंड चैनल आ रहा है वो 80 के आसपास आ रहा है। सो दैट्स इट फॉर द टेक्निकल चार्ट्स। अभी अगर हम बात करें यहाँ पर डेरिवेटिव समरी की और एफआईआई डेटा की कि क्या एक्टिविटीज हो रहा है डेरिवेटिव्स में और एफआईआईज में, तो एफआईआईज ने लगातार यू कैन से कि लगातार वीके 2 to 3 week की जो सेल ऑफ था उसको ब्रेक करते हुए एफआईआईज ने लगातार 3 ट्रेडिंग सेशंस में बाइंग किया, जिसमें कि 5131 करोड़ के आसपास का कैश मार्केट में बाइंग उन्होंने मंगलवार के दिन किया एंड देन बुधवार के दिन उन्होंने लगभग यहाँ देखे तो 1245 करोड़ के आसपास का बाइंग किया। वहीं फ्राइडे को यहां पर उन्होंने 357 करोड़ के आसपास का बाइंग किया। सो लगातार 3 दिनों तक एफआईआईज का बाइंग नजर आ रहा है, हालांकि डीआईज आल्सो कंटिन्यूअसली बाइंग ऑन दी चार्ट्स। यू कैन सी हियर दी अपर साइड पे, यहां पर एक ये जो अपर साइड है यहां पर एफआईआईज का बाइंग एंड सेलिंग है, यहां पर डीआईज का बाइंग सेलिंग है। सो यू कैन सी दी ओवरव्यू ऑफ द चार्ट्स, थोड़ा सा पॉजिटिविटी यहां पर नजर आ रहा है एंड दैट कैन टेक द निफ्टी टू द 17,600 अप टू, बट वहां से और फर्दर जाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। डेरिवेटिव समरी में बात करें तो डेरिवेटिव समरी में थोड़ा सा मिक्स्ड पिक्चर है, हालांकि एक्सपायरी के बाद हमें एक ही दिन मिला है, मतलब बुधवार के दिन एक्सपायरी था, फ्राइडे को ट्रेडिंग सेशन हुआ है। सो यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स यू कैन से एक रुझान है ऑन अ डेरिवेटिव, बट स्टिल वी कैन से कि जो हायर साइड्स पे 17,700 एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट बिल्डअप्स ओपन है जो कि लगभग 64 लाख के आसपास है और लोअर लेवल्स पर अगर हम बात करें तो हाईएस्ट जो बिल्डअप्स है वो 17,000 स्ट्राइक प्राइस पर है एंड सेकंड हाईएस्ट की बात करें तो 17,300 स्ट्राइक प्राइस पर है। सो 17,300 एंड 17,600 कुड बी द रेंज फॉर द मार्केट। अगर इससे और बड़ा रेंज हम देखें तो 17,600 से लेकर 17,000 तक की रेंज हमें देखने को मिल सकती है, हालांकि हायर लेवल्स पे हमें थोड़ा ज्यादा बिल्डअप्स नजर आ रहे हैं एज
सॉरी लोअर लेवल्स पर हमें थोड़ा ज्यादा बिल्डअप्स नजर आ रहे हैं कंपेयर टू हायर लेवल्स, मतलब पुट ऑप्शंस में ज्यादा बिल्डअप्स है एज कंपेयर टू कॉल ऑप्शंस। सो वी कैन से थोड़ा सा यहाँ पर राइटिंग ज्यादा हुआ है पुट ऑप्शंस में, मे बी पॉसिबल थोड़ा मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करें इन अपकमिंग डेज। एंड अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी लगभग लगभग सिमिलर एक्टिविटीज है, बट बैंक निफ्टी में जो शॉर्ट स्ट्रैडल हमें दिख रहा है जो 40,500 पर ज्यादा दिख रहा है, एंड सेकेंड हाइएस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर 41,800 पर हमें हाईएस्ट बिल्डअप्स है, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट बिल्डअप्स फर्दर बिल्डअप्स है 41,000 पे। एंड पुट ऑप्शन में जो अगर स्ट्राइक प्राइस देखें तो 40,000 की स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट बिल्डअप है, सेकंड हाईएस्ट बिल्डअप जो है लगभग लगभग 39,500 पर है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर एक पर्टिकुलरली इकोनॉमिक इवेंट्स की, तो इकोनॉमिक इवेंट्स पर अगर हम देखेंगे तो इस वीक में अगर हम देखें तो इस वीक में मेजरली जो यूनाइटेड स्टेट्स से जॉब ओपनिंग का डेटा है, फैक्ट्री ऑर्डर्स का डेटा है, और अगर हम बात करें यहीं पर कि बैंक ऑफ इंग्लैंड का फाइनेंशियल पॉलिसी है, एंड इन अपकमिंग फर्दर डेज यहाँ पर S&P ग्लोबल सर्विस PMI डेटा इंडिया से आने वाला है जो मार्केट को लीड करेगा ऑन वेडनेसडे। वही अगर हम बात करें कंपोजिट PMI की फ्रॉम इंडिया, और देन अगर हम बात करें यहाँ पर डाउ जोन्स और से यूनाइटेड स्टेट से, तो यूनाइटेड स्टेट में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जॉबलेस क्लेम का डेटा है ऑन अ थर्सडे, और एट द सेम डे RBI का मॉनेटरी पॉलिसी है। सो दीज आर द डेटा जो मार्केट्स को ड्राइव कर सकते हैं इन अपकमिंग डेज, और इन डेटास पे आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो कि हर मंथ की फर्स्ट वीक में आता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा एंड नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा जो मार्केट्स को ड्राइव करेगा। ओवरऑल मार्केट का जो शॉर्ट टर्म ब्रेड है वो पॉजिटिव बना हुआ है, मार्केट हायर लेवल्स पे 17,600 पे रेजिस्टेंस ले सकता है, लोअर लेवल्स पे निफ्टी में 17,300 के सपोर्ट नजर आ रहे हैं। मार्केट का थोड़ा सा पॉजिटिविटी और द बायसनेस जो फ्राइडे के दिन के मार्केट के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, थोड़ा मार्केट पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। सो दैट्स इट फॉर द डे एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर होल वीडियो। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियोज फॉर मोर लर्निंग्स ऑफ द मार्केट, और इन वीडियोज को लगातार अगर आप देखते रहे तो आप भी मार्केट्स को इस तरह से स्टडी करना, उसको एनालाइज करना सीख जाएंगे। एंड प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक और बात, इन सारे डेटाज पे फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपने खुद का रिसर्च जरूर करें, बिकॉज आई एम नॉट एन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आई एम ओनली मेकिंग दीज वीडियो फॉर योर एजुकेशन एंड माई एजुकेशन पर्पज। थैंक यू वेरी मच।